Hello everyone, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's class we are going to discuss about the adaptive radiation which had occurred in Australia. From a single origin, many species have originated on an island in Australia and many new species have formed. So we are going to see the mnemonic of these all species so that it can be very easier for you to remember all the name of these animals. So let's get started with the video. So the first mnemonic is काला बिल्ला का दोस्त एंटीटर बैंडेड है. Give him coat and sugar. Sugar यानी कि glucose. क्या बोल रहे हैं कि एक बिल्ली है या फिर एक बिल्ला है जो कि जिसका दोस्त है एंटीटर एंड ही इज बैंडेड यानी कि ही इज बाउंडेड उसको कुछ लग बाउंडेड ही उसको कुछ लग गई है तो हमने क्या लगाया उसको बैंड लगाई है. ठीक है तो फिर हम उसको क्या दें ठंड के दिन है तो हमें उसको कोट दे देना चाहिए और शुगर दे देना चाहिए ताकि उसमें थोड़ी सी जान आ जाए उसमें थोड़ी सी ग्लूकोज का कंटेंट इंक्रीज हो जाए ब्लड के रिलीज होने की वजह से जो ग्लूकोज का कंटेंट है बहुत ज़्यादा कम हो गया. तो निमोनिक इस काला बिल्ला काला के ए एल ए काला से क्या आ रहा है कोआला सिमिलर है काला कोआला बहुत सिमिलर है तो काला के से कोआला काला बिल्ला बिल्ला से क्या है बिल्ला से है टाइगर कैट. आज बिल्ला का मतलब क्या होता है कैट सो बिल्ला के से क्या है टाइगर कैट. का दोस्त से कुछ भी नहीं है एंटीटर बैंडेड. ठीक है तो एंटीटर बैंडेड से क्या है बैंडेड एंटीटर बैंडेड एंटीटर है. गिव हिम इन तीनों से कुछ भी नहीं है कोट कोट जो है वो बैंडिकूट के कूट से थोड़ा सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेंडी कूट. ठीक है तो कोट बेंडी कूट. शुगर शुगर से क्या आ गया शुगर ग्लाइडर शुगर ग्लाइडर. तो सिर्फ इस इन दिस ओनली वन निमोनिक वी हैव टॉक्ड अबाउट फाइव एनिमल्स व्हिच आर दे क्वाला टाइगर कैट बैंडेड एंटीटर बेंडी कूट एंड शुगर ग्लाइडर. फ्रॉम द निमोनिक काला बिल्ला का दोस्त एंटीटर बैंडेड है गिव हिम कोट एंड शुगर. ओके सो द नेक्स्ट निमोनिक इज मिस्टर मारुति मोहन चले टैनवुड कंगारू बैट देखने. ठीक है तो एक मारुति मोहन है वो जा रहे हैं टैनवुड. टैनवुड कहाँ है टैनवुड एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में जो कि एडाप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो हम क्या बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के एक जगह की बात करें टैनवुड. वो वहां पे क्या देखने गए कंगारू और बैट को देखने गए हैं. ठीक है तो मिस्टर क्या है एम आर मिस्टर से क्या आ रहा है एम आर तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मार्सुपियल रैट को. वो भी क्या है एम और आर इनिशियल्स जो है सेम है तो मिस्टर से क्या आ गया मार्सुपियल रैट. मारुति मोहन एम एम से क्या आ गया मार्सुपियल मोल मार्सुपियल मोल. चले से कुछ भी नहीं है टैनवुड टी डब्ल्यू से क्या आ जाएगा तस्मेनियन वुल्फ. कंगारू से कंगारू एंड बैट से क्या आ गया वॉर्म कैट वॉर्म बैट सॉरी वॉर्म बैट 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 वॉर्म बैट. तो इन दिस निमोनिक यू हैव लर्न फाइव स्पीशीज इन दैट निमोनिक यू हैव लर्न फाइव स्पीशीज सिमिलर मार्सुपियल रैट मार्सुपियल मोल तास्मेनियन वोल्फ कंगारू वॉर्म बैट वॉर्म बैट. ओके सो दो निमोनिक सिर्फ दो निमोनिक से आपने सारे के सारे 10 एनिमल्स को जान लिया जो कि किससे रेडिएट हुआ है एक सिंगल पॉइंट से रेडिएट हुआ है अडेप्टिव रेडिएशन हुआ यानी कि अडेप्टिव रेडिएशन मतलब वो एनवायरमेंट को अडेप्ट करते 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 अपने आप को रेडिएट करे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में अपने आप को इवॉल्व करे दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन. ओके सो आई होप कि इस निमोनिक से आपको इस 10 के 10 एनिमल्स बहुत ईजिली याद हो जाएंगे. सिर्फ दो निमोनिक है कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अगर आपसे पूछ लिया गया कोई भी चार ऑप्शन देके कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो मार्सुपियल रेडिएशन दिखाता है समझो ऑप्शन में है टाइगर कैट डॉग कुछ भी है तो आप बता सकेंगे कि हाँ टाइगर है टाइगर कैट आंसर है. सो बहुत ईजी हो जाएगा इससे आपको निमोनिक याद करना. थैंक यू सो मच प्लीज़ Like my video and subscribe the channel and share it with your friends. Thank you so much.